हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में 25 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहां पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी। क्वेश्चन था कि बीते दिनों पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण किया गया था जिसकी मारक क्षमता कितनी थी। तो देखिए, इसकी मारक क्षमता कितनी है, 350 किलोमीटर जो है इसकी टोटल मारक क्षमता है। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, हाल ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहले तो ध्यान रखिएगा, ये जो सूचकांक है ये किसने जारी किया है, जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक जो संस्था है इसके द्वारा ये जारी किया गया है भ्रष्टाचार सूचकांक। ठीक है, देखिए इस सूचकांक में जो है 180 देशों को शामिल किया गया है, सही है। और दूसरा जो है, भारत इसमें 41 अंकों के साथ 80वें स्थान पर रहा है। ध्यान रखिएगा, इस बार इसमें जो है भारत को 80वां स्थान मिला है, टोटल 41 अंक मिले हैं। ठीक है, डेनमार्क जो है इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। तो यहाँ पे डेनमार्क जो है इसमें टॉप पर, यानी कि फर्स्ट पोजीशन किस देश को मिली है, डेनमार्क को मिली है। ठीक है, तो आपके तीनों ऑप्शन सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन, उपरोक्त सभी सही है। देखिए, आपको बता दें इस रिपोर्ट का मतलब कि जारी होने का या फिर प्रदर्शित करने का यही मकसद है कि कौन सा देश कितना भ्रष्ट है। ठीक है, यहाँ पे जिनकी पोजीशन टॉप पे है वो सबसे कम भ्रष्ट होते हैं, जिनकी पोजीशन लास्ट में है वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार उनमें होता है, करप्शन। देखिए, यहाँ पे करप्शन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी में जिसको भ्रष्टाचार बोलते हैं। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, देखिए ग्राफ देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क जो है इसमें पहले स्थान पर रहा है, जिसको 87 अंक मिले हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लास्ट टाइम की ये बार, अभी यहाँ पे 2019 की रिपोर्ट है और ये यहाँ पे देखिए 2018 की रिपोर्ट है, जिसमें चेंज कितना हुआ 2018 के कंपेरिजन यहाँ पे ये दिखा रखा है, यानी कि जीरो चेंज है। यानी कि 2018 में भी डेनमार्क को पहला स्थान मिला था, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और यहाँ पर पिछली बार न्यूजीलैंड जो है इसमें मतलब कि तीसरे स्थान पर रहा था, यानी कि एक अंक का चेंज हुआ इसमें। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं UK, फिर US, फिर इंडिया। यहाँ देखिए इंडिया है हमारा, इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो 41वें स्थान पर इंडिया इसमें, सॉरी 41 अंक टोटल जो है स्कोर इसमें इंडिया का कितना है, 41 है। और रैंक कितनी है, 80वीं रैंक है। पिछले साल की तुलना में 2 स्थान का यहाँ पर इसमें चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ये तो हो गई टॉप की बात, अब यहाँ पे लास्ट की ज़रूर यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। देखिए, जो सोमालिया जो कंट्री है यहाँ पे देखता है सोमालिया, ठीक है, सोमालिया इस सूचकांक में जो है लास्ट में रहा है, यानी कि 180वीं पोजीशन सोमालिया को मिली है और इसको 9 अंक मिले हैं। और आपको बता दें, लास्ट टाइम भी ये सोमालिया ही इस रैंकिंग में सबसे अंतिम स्थान पर था। इसका मतलब ये हुआ, अंतिम स्थान का मतलब कि सबसे भ्रष्टाचार जो सबसे ज़्यादा है वो कौन से देश में है, सोमालिया में सबसे ज़्यादा करप्शन सोमालिया के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश इसमें 146वें नंबर पर रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम जानेंगे हमारे पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पड़ोसी देश देख लेते हैं कि कौन सा कितना भ्रष्टाचार किस पड़ोसी देश में कितना है। ठीक है, चीन में जो है भ्रष्टाचार के मामले में जो है भारत के बराबर है चीन। देखिए, यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार भारत में ही है, भ्रष्टाचार देखिए जो बड़ा कंट्री है चीन इसमें भी है, 80 भारत के बराबर ही है। श्रीलंका जो है इसके अंदर 93वें नंबर पर रहा, यानी कि भारत से ज़्यादा भ्रष्टाचार है इसमें। पाकिस्तान में जो है भारत से कई ज़्यादा भ्रष्टाचार है, यानी कि 120वें स्थान पर है। फिर नेपाल यहाँ पे देख लीजिए 113वें स्थान पर, भूटान है, भूटान में भारत से काफ़ी कम भ्रष्टाचार है। ठीक है, म्यांमार में ज़्यादा है, बांग्लादेश में भी भारत से ज़्यादा है, अफगानिस्तान में भारत से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पड़ोसी देशों की बात हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। हाल ही त्रिपुरा उच्च न्यायालय के एक फैसले में सोशल मीडिया पर पोस्टिंग को किस श्रेणी में अंकित किया गया है। देखिए, त्रिपुरा हाई कोर्ट ने एक बयान, एक मतलब कि अभी जारी किया है। ठीक है, एक उसके अंदर बताया गया कि जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट करते हैं वो मौलिक अधिकार है एक हमारा। ठीक है, ऐसी बात यहाँ पे कही है हाल ही में, जो यहाँ पे
मतलब कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय उसने, ठीक है, तो ये फैसला यहाँ पे दिया है। जैसे कि आपको पता हो, हम जैसे कि सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह है तो उस पर कोई भी कमेंट वगैरह टिप्पणी करते हैं तो वो एक हमारा मौलिक अधिकार है, ये बात इसने कही है, ठीक है, त्रिपुरा हाई कोर्ट ने। चलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। देखिए कोई भी पोस्ट लिखते हैं, ठीक है, तो अगर उसके आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जो है यहाँ पे छोड़ना चाहिए, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे त्रिपुरा हाई कोर्ट ने कहा है। क्योंकि अभी ऐसा ये केस हुआ था जिसमें जो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी गई थी, ठीक है, उसके अंदर जो है गिरफ्तार किया गया था उस व्यक्ति को, जिसको अनुरूप ये फैसला यहाँ पे सुनाया गया है, ठीक है। चलिए, रिहा करने का आदेश यहाँ पे जो है पुलिस को दिया गया था इस केस के अंदर त्रिपुरा हाई कोर्ट ने। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, भारत ने किस देश को खसरे से निपटने के लिए रूबेला वैक्सीन की 30,000 से ज़्यादा खुराक प्रदान की है? तो ये किस देश को की है? ये की है आपकी मालदीव को, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि मालदीव को जो है ये यहाँ पे रूबेला वैक्सीन जो है प्रोवाइड करवाई गई है 30,000 से भी ज़्यादा, ठीक है, भारत ने। उसके अलावा यहाँ पे देखिए आपको बता दे थोड़ा सा, रूबेला वायरस की यहाँ रूबेला वैक्सीन और यहाँ पे खसरे की बात हो रही है, रूबेला की और खसरे की, जान लेते हैं दोनों क्या है। देखिए खसरा और रूबेला वैक्सीन है क्या, ठीक है। देखिए खसरा और रूबेला अलग अलग वायरसों के कारण होते हैं, जो खसरा रोग है और जो रूबेला है ये दोनों वैसे होते अलग अलग वायरस से हैं, ठीक है, लेकिन इन दोनों के जो लक्षण हैं वो सामान्यतः एक जैसे ही होते हैं, जिसमें शरीर की जो त्वचा है उस पर लाल रंग के तख्ते चकते जो है दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब कि इफेक्ट होते हैं, ये इसके मतलब कि जो होता है मतलब जो दिखता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो खसरा रुबेला पहल जो है एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य दोनों बीमारियों को ख़त्म करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा म्यांमार की ज़रूर बात करें, क्योंकि यहाँ पे हमने म्यांमार समझ चाहूँगा, ये दूसरे क्वेश्चन का हो गया, ठीक है। तो इसके बाद में देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, जो कि वर्ष 2020 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? 2020 का जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड है ये किसे दिया गया है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य को दिया गया है और कुमार मनन सिंह को दिया गया है, दोनों को ये अवार्ड इस बार दिया गया है, तो आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन, उपरोक्त दोनों को, ठीक है। चलिए कैसे कैसे दिया गया है ये पहले हम जान लेते हैं। देखिए जो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड है ये इसके अंदर देखिए अभी जो मतलब कि एक तो मैंने बताया उत्तराखंड को दिया गया है, ठीक है, और दूसरा मुनन सिंह को दिया गया है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ जो डिजास्टर मिटिगेशंस एंड मैनेजमेंट सेंटर है DMMC उत्तराखंड का, ठीक है, इसको ये इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में दिया गया है। देखिए ध्यान से देखिएगा, दो कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया है, एक तो दिया गया है संस्था की कैटेगरी में, ठीक है, संस्था की कैटेगरी में दिया गया है, और दूसरा दिया गया है व्यक्तिगत कैटेगरी में, यानी कि पर्सनल कैटेगरी में, ठीक है। तो दो कैटेगरी है इसकी, संस्था की श्रेणी में तो ये उत्तराखंड को दिया गया है जो DMMC उत्तराखंड है इसको, और जो व्यक्तिगत कैटेगरी का दिया गया है वो किसे दिया गया है, ये दिया गया है मुनन सिंह को, ठीक है, यहाँ पे जो मुनन सिंह है कुमार मुनन सिंह इनको, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा और यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए जो यहाँ पे मुनन सिंह है इनको जो है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए मैं बात करता हूँ विजेता को पुरस्कार की, ठीक है, तो देखिए जो संस्था की श्रेणी में जो पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य को, इसको 51 लाख रुपए का कैश प्राइस प्लस प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, साथ ही जो यहाँ पे जो व्यक्तिगत श्रेणी में जो प्राइस दिया जाता है उसको जो है यहाँ पे 5 लाख का पुरस्कार दिया जाता है, तो ये है इसकी अवार्ड राशि, ठीक है। देखिए लास्ट टाइम जो ये यहाँ पे जो मतलब कि अवार्ड जीता था ये मतलब कि जो अवार्ड ये सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन अवार्ड ये लास्ट टाइम 2019 का जो किसने जीता था, ये जीता था NDRF की जो 8वीं बटालियन थी उसने जीता था, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, किस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है? तो ये किस दिन को मनाया जाता है, 24 जनवरी को, हर साल की बात इस बार भी ये राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है।
देखिए आपको बता दें, इसके मनाने का जो है प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? जो सभी स्तरों पर बाल लिंग अनुपात है इसके बारे में जागरूकता फैलाना तथा बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के मकसद से ही इसको मनाया जाता है। ठीक है, देश भर में जो लिंग अनुपात है इसको मतलब कि सुधार करना इसका मकसद है। ठीक है, सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और ये सकारात्मक महिलाओं के लिए जो है बालिकाओं के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करना। ठीक है, इसका जो थीम है वो आप ध्यान रख लीजिएगा। इस बार का थीम क्या है? बेहतर भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण इस बार का इसका विषय रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे महाराष्ट्र के बाद किस राज्य ने स्कूली प्रार्थना में संविधान के प्रस्तावना को अनिवार्य कर दिया है? तो ये किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। देखिए, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था महाराष्ट्र ने 26 जनवरी से महाराष्ट्र राज्य जो है अपने स्कूली परेड में जो संविधान का प्रस्तावना है उसको शामिल करने की यहाँ पे अनिवार्य कर दिया है। उसके बाद में मध्य प्रदेश यहाँ पे दूसरा स्टेट बन गया है जिसने ऐसा किया है, यानी कि संविधान का जो प्रस्तावना जो पार्ट है इसको स्कूली प्रेयर में शामिल किया है। MP ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा मध्य प्रदेश की बात करेंगे। देखिए, सेटलमेंट यानी कि जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को, कैपिटल इसकी भोपाल है और लार्जेस्ट सिटी यानी कि सबसे बड़ी सिटी जो है वो है इंदौर। और अगर यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की, तो 52 अभी वर्तमान में जिले हैं मध्य प्रदेश में। और यहाँ के गवर्नर है लालजी टंडन, यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? कमलनाथ है। और अगर यहाँ पे बात करते हैं जो एरिया के हिसाब से राज्य का स्थान, तो एरिया के हिसाब से जो है इसका दूसरा स्थान है देश के अंदर। ठीक है, और जनसंख्या के हिसाब से इसका पांचवा स्थान है देश के अंदर। घनत्व अगर आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश का, तो 240 पर किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका घनत्व है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे किस शहर में देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पर, ये किया गया है भोपाल के अंदर। भोपाल जो मध्य प्रदेश का शहर है यहीं पर देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक जो है ये स्थापित किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ई वेस्ट मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा है उसके लिए ये क्लिनिक खोला गया है। इस क्लिनिक इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पृथक्करण किया जाएगा। इससे क्या किया जाएगा, जितना भी जो कचरा वेस्ट आता है ठीक है उसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ठीक है उसको अलग किया जाएगा। उसके बाद उसको रिसाइकलिंग के लिए जो है कि उसको रिसाइकल किया जाएगा और उसको निपटाना किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पे वर्क करेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितनी जारी की है? तो ये की है यहाँ पे 5%। 2020 के लिए जो विश्व बैंक ने अनुमानित दर जो जारी की है वो कितनी की है? 5%। इसी के साथ यहाँ पे जो 2021 के लिए जो जारी की है ठीक है नेक्स्ट ईयर के लिए वो कितनी बताई गई है? वो बताई गई है 5.8%। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट को यहाँ पे देखिए, थोड़ा विश्व बैंक की बात कर लेते हैं। देखिए विश्व बैंक के मतलब कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ठीक है, जिसके द्वारा मतलब कि जो इसके सदस्य देश हैं ठीक है इनको ये क्या करता है, आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में है और इसका जो यहाँ पे सदस्य देश है 189 कंट्रीज हैं इसके सदस्य देश। और यहाँ पे इसकी जो फाउंडेड डेट है वो कितनी है, 1944 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है? देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार भी ये 24 जनवरी को मनाया गया। शिक्षा दिवस की बात कर रहे हैं ना कि शिक्षक दिवस की। अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछा जाए तो वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर देखिए बात करते हैं तो ये 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 3 दिसंबर 2018 को प्रस्ताव पारित करके 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का घोषणा का निर्णय लिया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, शांति व विकास में स्कूली जो शिक्षा की है भूमिका इसको रेखांकित करना ही इसका मकसद है। ठीक है, तो शुरुआत कब की गई थी, 2018 में इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे पर महिलाओं के लिए वुमेन्स विथ व्हील्स नामक एक अनूठी टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है?
तो ये की गई है जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है नई दिल्ली का, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये, ठीक है, यहीं पर ये महिलाओं के लिए स्पेशली ये वुमेन्स विथ व्हील्स नामक जो टैक्सी की सेवा है ये शुरू की गई है, ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। देखिए ये कहाँ पे की गई है शुरू, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और आपको बता दें देखिए जो वुमेन्स विथ व्हील्स है ये कैब सर्विस शुरू की गई है, कैब सर्विस है जिसमें महिला ड्राइवर चलाएंगे। इसके अंदर देखिए खासियत क्या होगी कि इसमें ड्राइवर्स होंगे वो भी महिला होंगी, और ये पिलर नंबर 16 के पास जो है यहाँ से शुरुआत होगी इसकी, ठीक है। इसके मतलब कि मेन यहाँ पे जो उद्देश्य वो यही है कि जो महिला यात्री हैं उनको सुरक्षा प्रोवाइड करवाना, ठीक है। इसके तहत क्या होगा जो मतलब कि कैब ड्राइवर होगी वो महिला होगी, और आपको यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे महिलाओं के लिए एक कैब होगी। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, इस कैब में सिर्फ महिलाओं को ही आने की अनुमति है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, स्पेशली महिलाओं के लिए होगी ये कैब, तो इसका नाम आप ध्यान रखिएगा वुमेन्स विथ व्हील्स इसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए यूपीआई सुविधा देने वाला देश का पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन सा बना है, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका जियो। रिलायंस जियो जो काफ़ी पॉपुलर टेलीकॉम नंबर वन टेलीकॉम प्रोवाइडर है देश का, ठीक है, इसने हाल ही में ये यूपीआई सुविधा जो है शुरू की है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अब आप जो है रिलायंस जियो यूपीआई भुगतान भी कर सकते हैं, ये ऐसा करने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया, ऐसा सुविधा देने वाला, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो इसने सुविधा दी है ये वॉलेट ऐप पे नहीं दी है, जो जियो मनी है उस पर नहीं है ये सुविधा, ये माई जियो ऐप पर लॉन्च की इसने ये, ठीक है। इसी के साथ अब जो है जो निजी यूपीआई भुगतान सुविधा देने वाले जो जो मतलब कंपनी है पेटीएम गूगल पे फोनपे ऐसे ही यहाँ पे इस सेवा प्रोवाइडर में जो है जियो, अब यहाँ पे जियो भी शामिल हो गया है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे जियो के बारे में बात करेंगे। देखिए जो रिलायंस जो इंडस्ट्रीज लिमिटेड है जिसने जियो का शुरू किया है, जियो की मतलब कि जियो जो शुरू किया है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किया है, ठीक है। जिसके संस्थापक कौन है, धीरूभाई अंबानी है, और इसके जो मतलब कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी है सीईओ, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के वो कौन है, ये मुकेश धीरूभाई अंबानी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। निम्न में से किस भारतीय ने मेरिटाइम कप में स्वर्ण पदक हासिल किया है, ये यहाँ पे स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे जो मेरिटाइम कप है हुआ है ऑस्ट्रिया में, कहाँ पर हुआ है ये, ऑस्ट्रिया में हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये कप जो है इसमें स्वर्ण पदक भारत की अपूर्वी चंदेला और दिव्यांश सिंह पवार ने जीता है, ठीक है। तो इन दोनों ने जो है इसमें गोल्ड मेडल जीता है, और इसी के साथ भारत ने इस टूर्नामेंट में जो मेरिटाइम कप है इसमें टोटल 4 मेडल्स जीते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स में जान लीजिए। देखिए मैंने ये बताया पहले तो कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, ऑस्ट्रिया में हुआ है, ठीक है, ऑस्ट्रिया में। इसमें जो भारत की जो शूटर है, ठीक है, भारतीय शूटर है अपूर्वी चंदेला और दिव्यांश सिंह पवार, इन दोनों ने जो है इसमें स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, और इन्होंने ये जो पदक जीता है वो जीता है अपूर्वी चंदेला ने 10 मीटर जो एयर राइफल प्रतिस्पर्धा है इसमें 251.4 अंक हासिल करके जीता है। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए जो अंजुम मोकदिल है ये दूसरे स्थान पर रही है जिसने इसमें रजत पदक जीता है, और जो दिव्यांश सिंह पवार है इसने 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में पुरुषों वाली जो प्रतिस्पर्धा थी उसमें इसने जो है गोल्ड मेडल जीता है, और इसी प्रतिस्पर्धा में दीपक कुमार जो है इनको कांस्य पदक मिला है। तो ऐसे यहाँ पे 4 भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने इसमें 4 मेडल जीते हैं, 2 तो गोल्ड मेडल जीता है, एक यहाँ पे रजत पदक जीता है किसने, अंजुम मोकदिल ने, और एक यहाँ पे कांस्य पदक जीता है दीपक कुमार ने, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे 4 हो गए अपने। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो आज की क्विज है इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि वर्तमान में देश में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर, आई होप आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई है, तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।